इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले
respected Congress and Chief Clerk Mukherjee, General Secretary, State Bank of India Staff Association, their leader circles, General Secretary, State Bank of India Staff Federation, General Secretary, National Conference of Bank Employees, Chief Secretary, State Bank of India Staff Association, Aid Circles, our Convenience, United Forms of Bank Union, Alam Sahib, Shankar Varshi, मेरे डीजे हेडक्वार्टर आशीष कुमार शर्मा जी, डीजीएस मिड कॉर्पोरेट ऋषि जी, डीजीएस क्रांति राय और डीजीएस रमाजी जी और मेरे से आए हुए कॉमरेड, खासकर R2-5 और R2-6 की ब्रांचेस से आए हुए क्षेत्रीय प्रबंधक डिवीजन 5 की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली इस तरह के मास आयोजन डॉक्टर मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ और इस तरह के मास को संबोधन मैं एक दो बार कभी किया होगा, शहरी रिश्वत भी होता है क्या कहना है, लेकिन क्या है कि मैं भी आप लोगों का ही के बीच से ही आया हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई अलग बैंक है, स्टेट बैंक के ही का ही सदस्य रहा हूँ पिछले 25 साल से। तो एक्जेक्टली मंदिर जी के बारे में अगर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तो क्या होता है, कोई भी देश, कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहिए, कोई भी एसोसिएशन होता है, वो तभी ग्रो करता है जब वो एक सुरक्षित भाग में रहता है। तो हमें ये लगता है कि जो हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट कॉमरेड इबानी जी संजीव कुमार मंत्री जी जनरल सेक्रेटरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साहब से चंडीगढ़ सर्कल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साहब फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ बैंकिंग बॉयज, चीफ सेक्रेटरी एड सर्कल एंड कंटिन्यू यूनिटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग है। मंदिर जी की शान में उनका कुछ भी हमने प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्दों की बहुत कमी है, क्योंकि अगर मैं कुछ कोशिश भी करूंगा तो सूर्य को दिया मिसाने का समान होगा, क्योंकि मंदिर जी वो शख्सियत है जिनको पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड में बहुत इनका यूनिक ग्लोबल इंडियन की वजह से इनका बहुत प्रचार हुआ है और पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा भारतवर्ष बैंकिंग फेडरेशन की तरफ से मंदिर जी की तरफ देख रहा है। इसके अलावा मंच पर आते आशीष कुमार शर्मा जी डीजीएस हेडक्वार्टर और फेडरेशन के गुजरात, ऋषि कुमार उपाध्याय जी डीजीएस हेडक्वार्टर और रमन जी डीजीएस बठिंडा और आज की सभा के मुख्य सूत्रधार जिसकी वजह से आज के कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का मौका प्राप्त हुआ, सतीश कुमार झुंझन जी और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित करके इस गुरु की नगरी में आने का अवसर प्रदान किया और आप लोगों के दर्शनों का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। साथियों, एसोसिएशन की अगर आप बात करें, आज का जो माहौल है जो आप देख ही रहे हैं बहुत विषमता और ऑपरेशनल रिस्क से घिरा हुआ है। आप जितना भी आप अपना बचाव करके चल पड़े परंतु कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश रहती है, परंतु उस स्थिति में आपको सिर्फ एसोसिएशन का ही संरक्षण प्रदान, एसोसिएशन की तरफ से संरक्षण प्रदान किया जाता है, कोई गलती हो जाती है आप एक बार मान के चलिए बैंक जो है वो एक छोटी सी गलती के लिए आपको बचेगा नहीं, इसके अलावा अगर आप उसको 100 काम करके दे दीजिए तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड दे या ना दे तो उस पर डिपेंड करता है, पर अगर आपसे छोटी सी गलती हो जाती है साथियों तो आपका जो है न्यूमो आपका डेफिनेटली बनता और हो सकता है कि चाय शुरू हो जाए। तो इस स्थिति के अंदर आपको एसोसिएशन के साथ चलना बहुत मुश्किल है। साथियों, आज के गलत बदलते परिवेश में आप
जानते हैं कि प्रेसिडेंट चंडीगढ़ सर्किल एकनाथ सिंह माली जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी चंडीगढ़ सर्किल, चीफ सेक्रेटरी के सर्किल, सेक्रेटरी कैडेट सेक्रेटरी एनएससी के सेक्रेटरी और जूनियर के कंट्रोलर कॉम्रेड संजीव कुमार बंदर जी, डीजीएस बहाली क्रांति रैली, डीजीएस बटे दामोदर रमनदीप सिंह जी और अमृतसर के वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे जिंगल साहब अमृतसर की सारी टीम चंडीगढ़ से आए हुए मेरे साथ राजेश पर्सन जी, ममता जी की पटियाला की और यहाँ उपस्थित सभी सांसद से आए हुए हमारे यहाँ पे जैसे कि जीवन जी ने बोला था कि ये गुरुओं की नगरी है और हमें सबको ये सौभाग्य मिला है कि हम इस नगरी का अमृत पानी पी रहे हैं, अमृत खाना खा रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम सबके हैं। आज मेरा ख्याल से किसी के पास किसी की बात सुनने का ज्यादा उनको महत्व नहीं है। सब ये चाहते हैं कि जो हमारे सभापति कमल वर्ली जी आए हैं, इंडस्ट्री के रहनुमा लीडर्स ऑफ लीडर महाबली सारे महबूब नेता कॉमरेड मल्ली जी, सर्कल प्रधान कॉमरेड इकबाल सिंह मल्ली जी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अशीष जी, ऋषि जी, क्रांति जी और सारे बड़े सत्कार योग चिंगल जी, एस पी एस से टीम के सारे इतने पहुंचे हुए ऑफिसर, आवास साहब के साथी साहबान, अधिकारी साहबान, आज बहुत ही भागा वाला दिन है, खुशियां भरिया दिन है जो असी सारे इको परिवार के मैंबर एक छत थले इकट्ठे हुए हैं विचार वटांदरा करने वास्ते, एक दूजे का हाल चाल पुछण वास्ते इकट्ठे हुए हैं। और इस मौके से मैं उचेते तौर पर धन्यवाद करना चाहवांगा बदले साहब का, जिवें कि ढिंगर जी ने दस्सिया कि एक महीने के विच 25-25 दिन बाहर घूमते रहना, इन्हें रंधेवियां के विच भी समा कढ़ना, तो बहुत तहे दिलो धन्यवाद है बदले साहब का। और दूसरे नंबर पर धन्यवाद है टीम एसपीएस के अमृतसर का, चिट्टे तौर पर ढिंगर जी का, जिन्होंने उपराला किया कि यह कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग हो सके। साथियों बलदीप जी बारे जिन्ना भी असं बोल दिए मैं लगता है शब्द घट है कि असं उन्होंने तरीफ वास्ते पूरे पै गए। 2011-12 की गल है जो मैं यूनियन को समझने की कोशिश की थी तो बहुत सारे साढ़े मन क्वेश्चन थे, असं बलदीप जी को गए, बड़े सारे क्वेश्चन पूछे, सानू आ नहीं मिलिया, साडा आ नहीं हैगा, साडी इत्थे कमी है। लेकिन अज मैं लगता 10-11 साल बाद जे कोई मेरे को पूछे कि तुहाडे कोई हुण क्वेश्चन आ तां संपूर्ण हो चुकी है, वी इन्ना कुछ बलदीप जी ने दवाता कि हुण सानूं इह लगदा नहीं वी होर कोई चीज रह गई है जिहड़ी असीं मंगणी है कि उह बलदीप जी दवाउण। लेकिन असीं फिर वी जदों इहनां कोल जांदे हां हुण साडे कोल उहदे सवाल नहीं हुंदे, लेकिन बलदीप साहब सानूं दस दिंदे आ कि तुहाडे वास्ते आह चीज मैनेजमेंट नाल मैं गल कर चुकी आह चिट्ठी लिख दित्ती है, आउण वाले समें दे विच तुहानूं आह चीज मिलेगी। जे आपां दुनिया पद्धर ते देखिए, मुल्क पद्धर ते देखिए, पंजाब पद्धर ते देखिए, बैंक पद्धर ते देखिए, तां उह सुखावा समा नहीं है। वर्ल्ड बैंक ते जिहड़े संबंधित इंस्टीट्यूशन है उन्हां दे विच जो पॉलिसियां बनाईआं जा रहीआं ते उह पॉलिसियां जो साडे देश दे विच लागू कीतीआं जा रहीआं ते जिहड़ीआं साडीआं समें दीआं सरकारां है उह ना सिर्फ उन्हां दीआं आज की
इस सभा के सभापति तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन चंडीगढ़ सर्कल के प्रेसिडेंट कॉमरेड इकबाल सिंह मल्ली जी, हमारे पंजाब के डिफरेंट मॉड्यूल से तथा हेडक्वार्टर से आए हुए मेरे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, सर्कल कमेटी मेंबर्स, ऑफिसर एसोसिएशन के कॉमरेड महेश्वरी जी, एजीएम रीजन इन एब्सेंसिया तथा रीजन फाइव और रीजन सिक्स की विभिन्न शाखाओं से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों को, सबसे पहले तो मैं कॉमरेड जीवन, कॉमरेड गिरीश, कॉमरेड चंद्र की पूरी टीम को इस कामयाब जोनल कॉन्फ्रेंस के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिस बड़ी संख्या में आज आप यहां उपस्थित हुए, वे आपका जोश इस एसोसिएशन के प्रति पूर्णतः उजागर है, दिखाई दे रहा है, और इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनों का आज छुट्टी के दिन यहाँ आना ये दर्शाता है कि एसोसिएशन किस तरीके से हम सब लोगों की एक जरूरत बन चुकी है। मेरे से पहले बहुत सारे स्पीकर्स यहाँ से बोले हैं, उन्होंने आपको डिफरेंट चीजों के बारे में आज जानकारी दी। मैं आपसे कुछ बातें उसी तौर पर करना चाहूंगा। हमारे बहुत से साथी जो पुराने हुआ करते थे, जो कि 2000 से पहले बैंक में आए थे, बहुत बड़ा संख्या रिटायर हो चुकी है। जो 2008 के बाद आए हैं, आज हमारे बैंक में चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे सुपरिटेंडेंट गार्ड वगैरह हों, चाहे क्लरिकल कैडर के अंदर हों, वो साथी करीबन 70% के करीब। एवरेज एज जो हमारे स्टेट बैंक में बहुत बढ़ चुकी थी, आज 37-38 साल की उम्र आ चुकी है। आज हमारे पुराने साथी जब बैंक से रिटायर हो रहे हैं, समय आ गया है कि हमारे नए साथी भी तैयार हों उस एसोसिएशन का बैटन को पकड़ने के लिए जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कॉमरेड इकबाल जी ने आपको बताया किस तरीके से हमारी यूनियन का कब ये रजिस्टर हुई, कैसे इसकी जरूरत आ पड़ी। वो समय था जब रात को सड़कों पर कुत्ते भौंका करते थे, माई कहती थी बेचा सो जा, कोई चोर चक्का गली में नहीं आया। ये इंटीरियर बैंक का एक साथी रात को काम करके जा, बैंक में आने का समय था, जाने का समय नहीं था। अभी हमारे साथियों ने कहा कि 4:45 बजे के बाद आप क्यों बैठते हैं, क्यों नहीं आपका काम खत्म होता। पहले मेरे साथियों को यह पता होना चाहिए कि ये 4:45 का चीज आई कहां से है। आज भी हमारे साथी ऑफिसर्स डिफाइंड वर्किंग आवर्स के लिए लड़ रहे हैं, आज भी उनकी बात मानना है कि हमें डिफाइंड वर्किंग आवर्स चाहिए, लेकिन बैंक ने नहीं एग्री किया। आज आप गर्व के साथ कहते हैं हमें 9:45 के बाद बैंक आना है और शाम को 9:45 का चले जाना है। कहां से आए 9:45 का समय? क्या ये प्ले के ट्रस्टी में लगे दी गई चीज है जो हमारे साथियों को उपलब्ध है? आज हम 5:30, 6:30, 7 बजे तक अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, लेकिन एक समय था रात को 12 बजे, 1 बजे तक हमें रात को बैठ के अपना काम खत्म करना था। उस समय में जब लोग कहते हैं 46 दिन की हड़ताल हुई, क्या हड़ताल थी, क्या डिमांडें थी, क्या हम चाहते थे, हमें तनख्वाहें नहीं चाहिए थी। हमारी डिमांड थी कि हमें सर्विस कंडीशन चाहिए, हायर एम्प्लॉयर नहीं चाहिए। जब दिल किया उसको बुला लिया,
बैंक नहीं आएंगे, जैसे हम उसके बाप की नौकरी किया करते थे। हमें हायर एम्प्लॉयर नहीं, हमें हमारी सर्विस कंडीशन चाहिए थी, और इसी चीज के लिए हमने हड़ताल की थी 46 दिन की। आप इमेजिन कीजिए, कोई आईडिया नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, उन दिनों में 46 दिन की इंडेफिनिट स्ट्राइक करना कोई आम चीज नहीं। और डिमांड क्या थी? सिविल सर्विस कंडीशन। देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, हम बैंक में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हमें हमारी सर्विस कंडीशन की जरूरत। उस समय भी हमारे देश के जो रहनुमा थे, जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो आगे थे, हमारे नेताओं ने एक ही बात कही कि देश आजाद होने वाला है, आप थोड़े दिन रहिए, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, एक बार देश आजाद होगा तो आपको आपकी सर्विस कंडीशन मिलेगी। देश आजाद हुआ, आईडी एक्ट आया, बहुत सारे अवार्ड, गुप्ता अवार्ड, सैन अवार्ड, देसाई अवार्ड, गांधी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड आए। अवार्ड क्या है? एक जज साहब सामने बैठे हैं, एक बैंक का वकील है, एक हम लोग हैं, अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे और वो जज साहब अपने जजमेंट देंगे कि मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज समझ में आई, ये चीज जेन्युइन है, ये चीज इनजेन्युइन है। और कैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कमीशन है, वही अवार्ड है, उसी कमीशन की रिपोर्ट आती है, कैबिनेट से अप्रूव होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्राइस पर लागू कर दी जाती है। ये था हमारे लिए अवार्ड सिस्टम। उस अवार्ड में बहुत सारी चीजें थी जो हमें अच्छी लगती थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ। हमने उन अवार्ड को रिजेक्ट किया, चाहे वो सैन अवार्ड था, चाहे वो देसाई अवार्ड था, चाहे कोई भी चीजें आई, गुप्ता अवार्ड था। और हम क्या चाहते थे? हम बायपार्टाइट चाहते थे, बायलैटरलिज्म चाहते थे। हम चाहते थे कि हम अपनी मैनेजमेंट के साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर उससे डिस्कस करें, सेटल करें अपने इश्यूज को। जो हमें मंजूर है वही हम मानेंगे, जो हमें मंजूर नहीं है हम बाहर बैंक के बाहर खड़े होकर बैंक बंद करेंगे और बैंक में नहीं चलेंगे। अभी आपने देखा 11 बाइपार्टाइट में किस तरीके से आईबी ने हमारे लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश की। 2% याद होगा आपको, 2% की ऑफर दी गई थी। उसी दिन हमने खाने का उनका बहिष्कार किया और उसी दिन बॉम्बे से ही हमने 2 दिन 30 और 31 मई 2018 को हड़ताल की थी, हड़ताल का आह्वान किया। अगर वो पुराना जमाना होता, अवार्ड का जमाना होता, सैन अवार्ड, शास्त्री अवार्ड, गुप्ता अवार्ड वाले दिन होते तो हम भी वहां प्रेजेंट होते। हम कहते सर मिलॉर्ड, हमारा वेज डिवीजन ड्यू है, हमें 15% इंक्रीज चाहिए। बैंक का एडवोकेट आता, कहता मिलॉर्ड सारे बैंक लॉस में हैं, अगर इस बार वेज डिवीजन किया गया तो बैंकों पर ताले लग जाएंगे। आपको याद होगा 1917 में क्या हालत, 2017 में ऑलमोस्ट सभी बैंक लॉस में थे, 11 बैंक पीसीए के अंदर थे। और अवार्ड का डिसीजन आ जाता कि इनकी बात ठीक है, आपका 11 बाइपार्टाइट को बैंक के साथ डिस्कस करके दूसरों भेज दीजिए। हमारे बहुत सारे साथियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन बहुत अच्छे लगते हैं। पे कमीशन अकेला नहीं है, वो बास्केट है पूरी, जिसको एक साथ एक्सेप्ट करना है। 10 साल के बाद वहां मिलता है, 5 साल के बाद लेते हैं। आपने अगर 10 साल में 30% दिया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइस को 30% मिला? जो कोरोना के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीएफ रिलीज कर दिया गया, अभी साथी ने बताया लोग अपनी नौकरियां गवा रहे थे, उन दिनों में आपको क्या मिला? कभी जाना है आपने, अपनी कैलकुलेशन की है क्या आपने कि 11 बाइपार्टाइट में कितने परसेंट इंक्रीज मिली? कोई बता सकता है? 30 से 34%। जिसकी सैलरी 1,05,000 थी, उसकी
सैलरी बढ़ के 1,35,000 1,40,000 हो गई। एनपीए के साथियों को 14% कंट्रीब्यूशन मिला। फैमिली पेंशन वालों को फ्लैट 30% फैमिली पेंशन रिवाइज हुई। आपको छुट्टियां मिली, पीएलआई मिला, हर साल लीव एनकैशमेंट मिली। छुट्टियां जो आज एनकैश करने की आप बात कर रहे हैं, अगर छुट्टियां होंगी तो एनकैश करोगे ना? आज हम कहते हैं हमें छुट्टी नहीं मिलती, क्या छुट्टी बचती है? जितनी छुट्टियां आप अनकैश कर रहे हो उसके बाद छुट्टी बचेगी, कभी कैलकुलेट करके देखा है? हर साल 7 महीने 7 दिन की छुट्टी, हर 4 साल में 1 महीने की छुट्टी, 2 महीने तो ऐसे ही निकल गए। अगर 34 साल की सर्विस है 12 महीने तो ऐसे ही निकल गए। अगर आप एक एक करके कैलकुलेट करके देखिए कितनी छुट्टी आपने अर्न की और कितनी छुट्टी आप अनकैश कर दे। हम कहते हैं जी गवर्नमेंट में 9 महीने की छुट्टी इनकैश होती है। अरे 9 महीने टोटल लाइफ के अंदर है, आप 8 महीने के एट अ टाइम ऑफ सुपर एडमिशन ले लेते हैं और जो साल के बीच में नौकरी के बीच में जो छुट्टियां आप एलएफसी के साथ देते हैं और 7 दिन की इनकैश करते हैं वो कहां गई? आज हम सीआरपीडी का पेपर क्लियर करके आते हैं। आज हमने भी एक क्लियर किया, हमारा एक दोस्त गलती से पंजाब नेशनल बैंक में चला गया, सेम क्वालिफिकेशन है, हमारे से ज्यादा मार्क्स थे इसके। तो आपको स्टार्टिंग में 500 रुपए किस चीज के मिलते हैं ना? बोलिए क्या भूख लगी है क्या? एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते? किस चीज के है वो? कहां से आए? क्या सुरखाब के पर्दे हमारे स्टेट बैंक के एम्प्लॉइज में कि उन्हें वो चीज मिलनी चाहिए बाकी बैंकों में नहीं मिलेगी? क्या आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं आपको? कभी सोचा है ये बात? ये अगर आपको मिल रहे हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन। अभी उन्होंने इकबाल जी ने कहा कि हमारे एक यूनियन पे वहां आईबीएम 11 में हम लोगों ने डिमांड की थी कि 400 रुपए का जो कन्वेंसर है उसे ऐसे खत्म करके 80 रुपए लीटर पेट्रोल था, 5 लीटर पेट्रोल दे दिया जाए। सिर्फ 5 लीटर 400 रुपए के बदले आईबीएम का जवाब मालूम है क्या था? नॉट इवन ए सिंगल लीटर पेट्रोल पर अवार्ड था। और आपके यहां सुबॉर्डिनेट साहब 13 लीटर देना है, क्या खास बात है भैया? आप लोग जो पंजाब नेशनल बैंक के अप्लाई में नहीं है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अप्लाई में नहीं है, इंडियन ओवरसीज बैंक के अप्लाई में नहीं है, वो आप ही के पास क्या खास चीज है कि आपको मिलना चाहिए? कभी सोचा है? आप पेट्रोल लेंगे, एंटरटेनमेंट लेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे, क्यों मिल रहा है आपको? कैरियर प्रोग्रेशन लेंगे, 1 साल के बाद प्रमोशन लगेगी, 3,000 रुपए एसोसिएट के बढ़ जाएंगे, कभी सोचा है क्यों मिल रहा है? कहां से मिल रहा है? किसने दिया? डीआर कहां से आ गया? ये मैनेजमेंट ने प्लेट में रखे आप लोगों को नहीं बांटा है? ये सारी चीजें अगर किसी वजह से मिली है तो ऑनली एंड ऑनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन। आज आप कह रहे हैं हमें हाउसिंग लोन चाहिए। अरे 12 लाख था एसोसिएट बैंक के, बहुत सारे हमारे साथी यहां बैठे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कितने साथी ये हाल था ना? कितना था आपका हाउसिंग लोन स्टेट बैंक में आगे कितना हुआ? क्या खास बात हो गई कि स्टेट बैंक में आधे साल 45 लाख मिल गया? फिर लोन का इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस कभी सुना है? बैंक कर्जा आपको देगा और उस कर्जे के बाद उसकी इंश्योरेंस कराएगा और आपकी लाइफ की इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बैंक भरेगा। कभी सोचा है हमने? ये कहां से आ रही है चीजें? क्यों दे रहा है बैंक आपको 45 लाख 60 लाख 80 लाख? ये कहां से बढ़ती जा रही है? मुझे याद है 11th बाइपार्टाइट के अंदर जब हमने फेस्टिवल लोन का इशू उठाया था, अदर बैंक के अंदर 30,000 रुपए फेस्टिवल लोन था मैक्सिमम, हमने कहा इसे बढ़ा के 40,000 किया जाए। वो कहते 10,000 रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन, इसका पैसा भी 15% में से रिड्यूस कर दीजिए क्योंकि ये भी तो आपके लिए इंक्रीज है। यहां आप 1.5 लाख लेके बैठे हैं, तब भी किसी को फिक्र और फर्क नहीं है कि ये हमारे यहां कहां से आ गया भाई? क्या हम पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है?
क्या हम गवर्नमेंट ओन बैंक नहीं है? पंजाब नेशनल बैंक भी हमारी तरह ही 60% गवर्नमेंट का शेयर होल्डर है, उनके यहां क्यों नहीं है और हमारे यहां क्यों है? कभी सोचा है आप लोगों ने ये सारे बेनिफिट कहां से मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? हमारी यूनियन एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनसीबी है, चाहे ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, हम 3 साल के बाद इलेक्शन होल्ड करते हैं। हमारा कोई मास्टर ऊपर नहीं बैठा जहां से डिक्टेट आएगी इसको लीडर बना दीजिए, इसको लीडर बना दीजिए, जब तक ये जिंदा जब तक लीडर रहेगा। जिस दिन वो रिटायर होता है उस दिन अपनी सारी पोजीशन छोड़ के यूनियन की घर बैठ जाता है। बहता हुआ पानी हमारे यहां है, इसी कारण से हमारी एसोसिएशन, हमारी फेडरेशन आप लोगों के लिए लड़ती है। और हमारी मैनेजमेंट इतनी मैच्योर मैनेजमेंट है, 40 साल की मेरी भी नौकरी हो गई, मुझे आज तक एक इशू ऐसा याद नहीं पड़ता जब हमने स्टेट बैंक में अवार्ड साहब के अकेले इशू के ऊपर हड़ताल की। यह हमारी कमजोरी गिनाई गई थी मर्जर के टाइम पे कि एनसीबी मैनेजमेंट के साथ मिलकर लीडरी करती है, यहां हड़ताल नहीं होती। क्या ये सारे बेनिफिट लेके भी आप हड़ताल करने के लिए तैयार हैं? बोलिए, तनख्वाह कटाएंगे 5,000 रुपए रोज की, किसके लिए? महंगाई बढ़ गई इसलिए, प्राइस राइज हो गई इसलिए, सरकार ने ये कर दिया इसलिए? अरे हमारे को अपनी अपनी इंडस्ट्री देखनी है, हमारे को अपना बैंक देखना है। कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो आप लोग नहीं एंजॉय कर रहे हैं? 10वीं पास हूं मैं जब मैं बैंक में लगा था, आज चाहे ग्रेजुएट भी हो गया, 1.5 लाख रुपया ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आपको दे रहा है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक 10वीं पास को भी 1.5 लाख रुपया दे? हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारा बैंक है, तीसरी हमारी यूनियन है और चौथे हम है। अगर देश है तो हमारा बैंक है, अगर बैंक है तो हम है, हमारी यूनियन है, और अगर हमारी यूनियन है तो हम। बहुत से नए साथी बैंक में आए हैं, उनका एक सवाल होता है जो अभी आज स्टेज से आपको सुनने को मिला। आरएन साहब ने कहा कि यूनियन हमारे लिए क्या करती है। मुझे याद है जलंधर का एग्जाम्पल, जलंधर मेन ब्रांच के अंदर 2 लड़कियां थी, उनकी मेरे बाद में आईसीपी ट्रांसफर हुई, वो मेरे पास आई थी, उनके पास आपस में डिस्कशन का टॉपिक क्या था कि 100 रुपया चंदा जो कटता है ये हमारे को जबरदस्ती का हमारे ऊपर थोप दिया गया है, ये यूनियन हमारे लिए करती क्या है? कभी सोचा है? कभी ख्याल तो आपके मन में भी आते होंगे, बोलो जरा जवाब दो, ये यूनियन क्या करती है? ये यूनियन वो काम करती है जब बच्चा सो रहा है, मां उसकी चुम्मी लेती है, बच्चे को नहीं पता कि मां ने उसको प्यार किया है। इसी तरह आज अगर आप बैंक में प्रोटेक्टेड हैं तो इट इज ऑल योर नाम की बात है। ये हमारी यूनियन का रोल है, आपको सेफ्टी महसूस कराना, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, ये इस यूनियन का बेसिक चीज है जो वो ये यूनियन आपको प्रोवाइड करती है। आपकी बेस्ट सर्विस कंडीशन ये यूनियन आपको प्रोवाइड करती है, आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज ये यूनियन आपको प्रोवाइड करती है, बिना यूनियन के कुछ नहीं रहता। आज अगर आप एक भी चीज के बारे में बात करेंगे, कोई भी चीज, किसी भी चीज के अंदर हम लोग पीछे नहीं है। क्यों है? क्योंकि हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, हमारे अपनी मैनेजमेंट के साथ अक्रॉस द टेबल बैठ के सेटलमेंट होती है, कोई हमारे पीछे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। आज तक भी कोई भी एक भी चीज मैनेजमेंट अपनी मनचाही हमारे ऊपर थोप नहीं सकी। चाहे कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप कैरियर प्रोग्रेशन की बात कीजिए, 2009 के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई थी, क्या 2009 का कोई साथी यहां बैठा है? आप मैडम बैठे हैं, 2009 में अगर आपको याद होगा तो 2 ऑफ लेटर ऑफ ऑफर मिले थे,
जो 1 दिसंबर 2008 में आया था और 5 जनवरी 2009 को ज्वाइन किया था ना, वो चेंज होके दूसरा ऑफर लेटर क्यों मिला? पहले और दूसरे में क्या अंतर था? पहले में ये लिखा गया था कि 35,000 रुपए कैश और 70,000 रुपए ट्रांसफर एज ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी यू विल परफॉर्म। याद है आपको, क्लास 9 थी और उस समय जब हमारी फेडरेशन को पता लगा, हमारी फेडरेशन लीडरशिप ने उसी समय डीएमडी सीडीओ को कहा कि ये हमें कैसे कह सकते हैं। हमने कहा हमारे मेंबर चाहे ना बने, वो आएंगे बैंक में, बैंक हमारे मेंबर बन जाएंगे, लेकिन हम सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं होने देंगे। अगर आपने इसको लेटर को विड्रॉ करके नया लेटर नहीं इश्यू किया तो 5 जनवरी 2009 को हम लोग लाइटनिंग स्ट्राइक करेंगे बैंक के अंदर। उसी डर के मारे उन्होंने लेटर विड्रॉ किया, चेंज किया और उसके 5 साल के बाद आज आप लोग एसोसिएट की अफिशिएटिंग ले रहे हैं सेम 35,000 कैश और 70,000 ट्रांसफर के लिए। उसके 3,000 आपको मिल रहे हैं। अगर उस दिन हम ना लड़े होते तो आज आप एज ए पार्ट ऑफ योर सैलरी उस बात को परफॉर्म कर रहे होते जिसको परफॉर्म करने के लिए आप 3,000 रुपए दे रहे हैं। कहां से आइए? इट इज ऑनली एंड ऑनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन। आपको कैरियर प्रोग्रेशन मिल रहा है। एक साल के बाद कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो आपको 6 महीने में प्रमोशन देगा? 6 महीने प्रोबेशन पीरियड है, 6 महीने के बाद आप एसोसिएट बन जाते हैं। कहां मिलती है प्रमोशन? 8 साल के बाद सभी सीनियर असिस्टेंट, 16 साल के बाद सभी स्पेशल असिस्टेंट, 24 साल के बाद सभी चीफ एसोसिएट। अरे आज आपके क्लर्क की तनख्वाह 28,000 रुपए है, चीफ एसोसिएट की ऑफिशिएटिंग 33,000 रुपए। ये आपको मालूम है ना, ले रहे हो ना ब्रांचों में? नहीं ले रहा कोई भी? तो बोलते क्यों नहीं, जोर से बोलो ना। ये 33,000 रुपए किसकी देन है, कहां से मिली? It is only and only because of All India State Bank of India Staff Association. आज अगर हम एक एक चीज के बारे में बात करें, चाहे वो वेलफेयर की स्कीम हो, चाहे हमारी सर्विस कंडीशंस की बात हो, चाहे हमारी ड्यूटीज की बात हो, चाहे हमारी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज की बात हो, ये सारी की सारी अगर हम देखें तो आज शुरू से लेकर आखिर तक इट इज ऑनली एंड ऑनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन जो आज हम ये बेनिफिट सब बैठे। आज आपकी रिक्रूटमेंट आ रही है। जब बैंक में रिक्रूटमेंट बंद की, हम लोगों ने एजुकेशन किया, क्योंकि हमारा मानना था कि हमारे पास होश तो बहुत है, जोश अब यंग ब्लड नहीं है, जोश और यंग ब्लड के चाहिए था। इसलिए हमने नैब खून को बैंक में आने के लिए आमंत्रित किया, बैंक को बाध्य किया कि उस दिनों में जब ग्लोबल मेल्टडाउन फर्स्ट चल रहा था 2007 में, लेमन ब्रदर जैसे बैंक पत्थर की ताज के पत्तों की तरह भरभरा के एकदम में गिर गए थे। याद होगा आपको 2008 में क्या हुआ था, सितंबर अक्टूबर में ग्लोबल मेल्टडाउन फर्स्ट आया था और भारत के अंदर सिर्फ ग्लोबल मेल्टडाउन फर्स्ट का कोई इफेक्ट नहीं आया था। क्यों नहीं आया? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दी थी, स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत ग्लोबल मेल्टडाउन फर्स्ट से अनटच रहा है, इट इज ऑनली एंड ऑनली बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर। वर्ल्ड वाइड 5 लाख लोगों को निकाल दिया गया, एक दो तीन नंबर के बैंक धराशायी हो गए थे, उन जमाने में हम लोगों ने 25,000 लोगों के क्लर्कों की नियुक्ति की। यह हमारा इतिहास रहा और हम सब लोगों ने यही सोच के बार बार प्रोटेस्ट किए कि यंग जनरेशन बैंक में आनी चाहिए, क्योंकि हमारा यह मानना था जोश और होश अगर मिलकर काम करेंगे तो इस यूनियन को, इस एसोसिएशन को आसमान की उन बुलंदों तक ले जा सकते हैं जहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे यंगस्टर्स आज उतनी बड़ी संख्या में आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं, उन्हें शर्म आती है ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए। क्यों, किस बात के लिए? आज अगर आप क्लर्क हैं, क्लर्क एसोसिएशन के अंदर होंगे, अफसर बनेंगे, ऑफिसर एसोसिएशन के अंदर होंगे, अपना राइट के प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। हमें अपने हक लेने हैं,
हमारा एम्बलम देखिए, ये लगा हुआ है तराजू, एक तरफ क्या लिखा है ड्यूटी, एक तरफ राइट लिखा है। हम सिर्फ राइट के लिए राइट इज माइट नहीं कह रहे, माइट इज राइट है, हम ड्यूटी करेंगे उसके बाद जो हमारे हक है हमें चाहिए। तराजू का पलड़ा अगर एक तरफ झुक जाए उसी तरफ खराब है। आज आपकी वजह से ये पलड़ा ड्यूटी की तरफ झुक रहा है, राइट में हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए तराजू जो बैलेंस थी आज ऐसी हो रही है। और जब जब ये तराजू इम्बैलेंस होगी तो आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या है। आपको अपने राइट्स के लिए सजग रहना है। आपके पुराने साथी, पुराने लीडर जिन्होंने बहुत साल हमारे जैसे लोगों ने लीडरी कर ली, अब हमारे जाने का समय है, तो हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये एक एसोसिएशन सेफ हैंड में रहे। आप आगे आए, हम बेटर हैंड ओवर करें और घर जाएं, ताकि हमें भी मन को तसल्ली रहेगी कि जिस चीज को हमारे पूर्वजों ने एस्टेब्लिश किया था, जिस एसोसिएशन को हमारे पूर्वजों ने संभाला था, जिसमें उन्होंने कुर्बानियां दी थी, आज वो एसोसिएशन एक सेफ हाथों में। कोई भी बंदा, कोई भी बाप ये चीज नहीं देखना चाहता कि उसका बेटा उससे आगे ना बढ़े। आज अगर हमने कुछ हासिल किया है तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, वो और इस ऊंचाइयों तक जाएं, ताकि उनको उस ऊंचाइयों पर देखकर हर एक माँ बाप को खुशी होती है कि मेरा बच्चा आज किस ऊंचाई पर पहुंचा। अगर हम लोगों ने यहां तक इस चीज को पहुंचाया है, इस माहौल के अंदर भी इन चीजों को यहां तक संभाल के रखा है, तो आज आपकी बारी है। आगे आइए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए और इस बैटन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाइए। वही पुराने खाने याद आ जाते हैं कई बार, मैं लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, इस एसोसिएशन को रखना मेरे बच्चों से था। जहां तक सवाल है इस सरकार का, सरकार की मंशाएं आपने देखी हैं। 21 में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के अंदर अनाउंस किया कि हमें 2 बैंक प्राइवेटाइज करने हैं। आज तक उससे पहले क्या था कि बैंकों के एनपीए बहुत बढ़ गए हैं, बैंक का प्रॉफिट नहीं है, बैंक पीसीए में है। हम उन्हें प्राइवेटाइज करना चाहते थे, हम उन्हें मर्ज करना चाहते थे, हमने मर्जर किए, 11 बैंक रह गए। अब बारी आई तो उनको प्राइवेटाइज करने की। ये नहीं है कि आज हमारे एनपीए बढ़ गए हैं, ये नहीं है कि बैंक लॉस में है। सरकार का क्या कहना है कि आज हमें 1,75,000 करोड़ रुपया डिसइन्वेस्टमेंट से चाहिए। 1,75,000 करोड़ रुपया डिसइन्वेस्टमेंट से चाहिए, हम इस वजह से 2 बैंकों को बेचना चाहते हैं। ये क्राइटेरिया नहीं है कि लॉस मेकिंग बैंक है, ये क्राइटेरिया नहीं है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के तहत बड़े बैंक यहां आएंगे, छोटे बैंक कैसे सर्वाइव करेंगे। छोटे बैंकों को पहले बड़ा कर दिया गया है, 2-2, 3-3 बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। आज ये कहना है कि हमें पैसे चाहिए, हम इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कौन से बैंक करेंगे, उसने कहा चाहे कोई भी बैंक हो, जब भी अगर हमें 1 बैंक से 1,75,000 करोड़ मिलेंगे तो 1 करेंगे, 2 से होगा 2 करेंगे, 3 से होगा 3 करेंगे, 4 से होगा 4। मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, डोंट फील इट कि स्टेट बैंक प्राइवेटाइज नहीं हो सकता है। अगर इंडियन एयरलाइंस प्राइवेटाइज हो सकती है, आज भारत सरकार की कोई इंडियन एयरलाइंस नहीं है, कोई एयरलाइंस नहीं है, तो बैंक भी प्राइवेटाइज हो सकते। इस गलतफहमी में मत रहिए कि सरकार की पॉलिसी है कैसे चलेगी। सरकार की पॉलिसी चलाने के लिए तरीके वो ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपको, आपकी कैपिटल को डिसइन्वेस्ट करने की ठान ली, तो कोई दुनिया की ताकत बैंक को प्राइवेटाइज होने से नहीं रोक सकती। कोई सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं रहेगा, दोबारा पुराने दिन आएंगे। सुबह आप बैंक आएंगे, शाम को घर जाएंगे, पता नहीं बैंक की नौकरी लेकर जाएंगे कि घर से वापस जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। हायर एंड फायर पॉलिसी होगी,
जो बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर प्राइवेट बैंकों में है। तो प्रोटेक्शन इसी चीज में है कि हम लोग गवर्नमेंट के इस हिल मूव को कभी कामयाब ना होने दें। अभी एक साथी ने यहाँ पे भाषण दिया कि ये किसने कहा है कि हम गवर्नमेंट की चीजों को हम नहीं वापस कर सकते। अरे उसने तो अभी किसान के आपको नए वो बताए हैं कि 3 कृषि कानून थे वापस भी है सरकार ने। उससे थोड़ा और पीछे जाइए, 2019 में एफआरडीआई बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर था कि अगर बैंक लॉस में होगा तो पब्लिक का डिपॉजिट से ही उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया, पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ। लेकिन जब पब्लिक की तरफ से हम लोग बैंक कर्मचारियों ने पब्लिक को जागरूक किया तो उनके ऊपर इतना प्रेशर आया कि अल्टीमेटली उनको एफआरडीआई बिल विथड्रॉ करना पड़ा पार्लियामेंट से। हम लोग सारे हनुमान जी बने बैठे हैं, अपनी ताकतों का अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जिस दिन आप सब लोग इकट्ठे होंगे, जिस दिन आप सारे लोग एक जगह खड़े होकर मुजाहरा करते हैं, जब प्राइवेटाइजेशन की बात आई थी फरवरी 1 को जब बिल पेश हुआ था और 15-16 मार्च को हमने 2 दिन के यूएपीयू बैनर के नीचे हड़ताल की कॉल दी थी, इतने बड़े संख्या में आप सब लोग सड़कों पर आए थे, जितने वेज रिविजन में भी नहीं आते देखकर गवर्नमेंट हिल चुकी थी। और यही एक कारण है आज 2.5 साल पूरे होने को आ गए, सरकार अमेंडमेंट टू द बैंकिंग एक्ट को अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकी। आपकी ताकत ही है जो उन्हें रोके बैठी है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, सो जाएंगे, तो कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। चाहे कबूतर जितनी मर्जी आंखें बंद कर ले, बिल्ली ने उसको पकड़ ही लेना। तो उससे पहले कि आप कबूतर बनो, शेर बन जाओ, कि कोई पकड़ ही ना सके। तो अपने आप को जगाओ। जब डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, कोई एजिटेशन की कॉल आती है, तो हम लोग छुट्टी मना के घर बैठ जाते हैं। क्यों? हमें बेनिफिट सारे चाहिए। हम सब कहते हैं भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी में हमें ना कुर्बानी देनी पड़े। हम कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन दे दो अपने बेनिफिट के लिए, वो कहते देने तो रिलेशन खराब होते हैं। क्या जमाना आ गया? पैसा आपको चाहिए, बेनिफिट आपको चाहिए, तो ये यहां जो बैठे हैं ये रजिस्टर्ड गुंडे हैं जो सबके लिए लड़ेंगे। आप अपने लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? क्या हो जाएगा? आप उठिए, जागरूक होइए। 5-day बैंकिंग का जहां तक सवाल है, हमने वो भी सारी चीजें नेगोशिएट की हैं, गवर्नमेंट को रेफर कर दिया है, डीएफएस के पास है, डीएफएस के अंदर डिस्कशन चल रही है, 12th बाइपार्टाइट की नेगोशिएशन, 12th इसको 28th को लिख लिया है कि शायद उसकी मीटिंग होगी, और सारी चीजों के ऊपर भी अपडेशन और पेंशन का मुद्दा भी चल रहा है। स्टेट बैंक के अंदर कमेटी बन चुकी है, 21 जुलाई को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो हमारे रेजिडुअल इश्यूज थे, चाहे हमारे 11th बाइपार्टाइट के थे, 10th बाइपार्टाइट के थे, 5-day बैंकिंग थी, अपडेशन और पेंशन थी, ये भी सारी चीजें उसी तरह से अचीव होगी जिस तरीके से हम लोगों ने फैमिली पेंशन को अचीव किया। किसी भी चीज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 12th बाइपार्टाइट भी आ रहा है, चाहे हम रिटायर होकर घर चले जाएं, बाइपार्टाइट होगा, क्योंकि जुलाई तक पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी हो सके। फिर भी सरकार की डायरेक्शन बैंकों को आई है कि 1 दिसंबर तक कीजिए। पिछली बार भी 5-6 बार इन्होंने निकाला था लेटर कि ड्यू डेट से पहले साइन कीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। आगे आने वाले समय में भी उम्मीद कम है, लेकिन अगर होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो भी एक अच्छे वेज रिविजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बैंकों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके अंदर से हमें अपना हिस्सा लेना। तो साथियों, आप लोग तैयार रहे एक बड़ी लड़ाई के लिए, चाहे वो सरकार के साथ हो, चाहे वो वेज रिविजन पे भी हो, क्योंकि ऑफिसर्स के लिए इस बार फिर हमारे पार्शियल मैंडेट आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और बैंक ऑफ बड़ौदा से स्केल 3 तक का, वहां एक लड़ाई होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसी जैसी ये चीजें चलेंगी, हम एक अच्छा वेज रिविजन हासिल करके रहेंगे, 5-day बैंकिंग मिल के रहेगी, अपडेशन और पेंशन हो के रहेगी। अब तालियां बजा के कोई जोश आ गया होगा थोड़े से ना।
जिंदाबाद।